जैसे मैं हूँ, मेरे ऑफिस में जब मैं अपने घर से खाना लेके आता हूँ तो मैंने अपने ऑफिस में मैंने माइक्रोवेव रखा हुआ, मैंने अपने ऑफिस को बकायदा प्रॉपर बनाया हुआ, मैंने अपना ऑफिस, मेरा जो ऑफिस है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वहाँ माइक्रोवेव मिलेगा आपको, वहाँ पे फ्रिज मिलेगा आपको, चाय बनाने के बर्तन मिलेंगे आपको, के आपको एवरीथिंग यू गेट इन माय ऑफिस। मैं कहीं बाहर से चाय नहीं बुलाता हूँ, मैं अपनी चाय खुद बना के पीता हूँ, मैं पानी को बॉइल करता हूँ, और मैं जनरली दिन में के समय में ग्रीन टी लेता हूँ या हर्बल टी लेता हूँ। ठीक है, खाना मैं अपना माइक्रोवेव में गर्म कर देता हूँ, कुछ कुछ खाने की बाकी चीज़ें होती हैं जो जिनको फ्रिज में रखना है उसको फ्रिज में रखने, फल वगैरह फ्रिज में रख देता हूँ। लेकिन भारतीय जो है चूंकि वो थोड़ा सा सुनता नहीं रहा, कम ऑर्गेनाइज है, ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, मैंने कहा जोर से बोला, पता चला कि दरवाजा फोड़ के बाहर है ना। ठीक है, कैसे बोला, तो अभी घर में ही है, पानी गिर रहा बहुत इसलिए मुंबई में, तो वो तो उन्होंने क्या करती थी, वो खाना ठंडा हो गया तो पास में कैंटीन था उनके उनकी उनके ही ऑफिस का, उस कैंटीन से खाना बुलाया करती थी। ठीक है, कैंटीन तो टेंडर पे होते हैं, कैंटीन सरकारी ऑफिस के, खाना बढ़िया, वो अक्सर डोसा मंगाती थी वहां से, इडली, साउथ इंडियन का बड़ा शौक है भारती को, मुझे राजस्थानी खाना बहुत अच्छा लगता है। आप में से कोई बच्चा अच्छा अच्छी रैंक पे आएगा, सिलेक्ट होगा, कभी मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर राजस्थान आके विजिट करूंगा आपके यहाँ पे, तो मैं आपके यहाँ पे दाल बाटी चूरमा और वो गट्टे की सब्जी जो होती है ना वो खाऊंगा। ठीक है, मुझे आई मैं बेसिकली फूडी पर्सन, पर क्या होता हूँ मैं खा नहीं पाता बहुत सारा खाना, के एक तो वजन बढ़ जाता है इस कारण से नहीं खा पाता हूँ, दूसरा इसके अलावा मुझे गेहूं सूट भी नहीं करता इस कारण से मैं नहीं खाता हूँ, तीसरा क्या है वो हाइजीन को लेकर बहुत किचकिच भी करता हूँ। ठीक है, तो